इस वीडियो में मैया की गई बात साइंसी तहकीकी एंड मुताबिक है। मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जो फेसबुक के व्यूज हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काजमी। ब्लैक हेड्स या कील, ये हमारे स्किन पे काले या पीले रंग के होते हैं और इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इनके अंदर गर्द भरी होती है क्योंकि इनका रंग काला होता है, लेकिन ये कोई भी डर्ट वगैरह नहीं होती बल्कि ये हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं, यानी कि ये हमारे स्किन पे बाल बनाते हैं और इनमें बैक्टीरिया, ऑयल या हमारी डेड स्किन भरी हुई होती है और जब इनको हवा लगती है तो हवा लगने की वजह से इनका रंग स्याह पड़ जाता है। अपनी स्किन पे ब्लैक हेड्स को देख के अक्सर हमारा दिल करता है कि हम इनको अपने हाथों से दबा के या नोच के निकाल लें, लेकिन ये अमल हमारी स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसकी वजह से हमारी स्किन पे परमानेंट जख्म का निशान बन सकता है। साइंसी तहकीक की वजह से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन ब्लैक हेड से छुटकारा पाया जा सकता है, जिनमें से एक नाम है स्क्रब्स। स्क्रब्स को खरीदते वक्त ये जहन में रखें कि ऐसे स्क्रब्स लें जिनमें सैलिसिलिक एसिड हो, और ये स्क्रब्स जो होते हैं स्पेशली जिनमें सैलिसिलिक एसिड होता है ये हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं और जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे ब्लैक हेड्स नहीं बनते। और इसके अलावा स्क्रब्स क्योंकि हमारी जो साम होते हैं उनको अनब्लॉक करते हैं, तो अगर किसी की स्किन पे ब्लैक हेड्स बने हुए हैं तो ये स्क्रबिंग की वजह से वो ब्लैक हेड्स भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन स्क्रब्स यूज़ करते वक्त ये बात जहन में रखनी है कि बहुत ज़्यादा सख्ती से स्क्रब नहीं करना और बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, यानी कि हफ्ते में एक या दो मरतबा आप स्क्रब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये स्क्रब्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे आपकी स्किन ड्राई हो सकती है जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स का मसला ज़्यादा बिगड़ सकता है। वो लोग जिनकी स्किन ऑयली है वो हफ्ते में 3 बार स्क्रब्स कर सकते हैं, जबकि सेंसिटिव स्किन वाले हफ्ते में सिर्फ 1 मरतबा स्क्रब करें। और वो दिन जब आप स्क्रब नहीं कर रहे उन दिनों में आप ऐसे जेंटल क्लींजर्स यूज़ कर सकते हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड हो। अगर आप अपनी स्किन को डीपली क्लीन करना चाहते हैं तो क्लैरिसोनिक क्लींजिंग ब्रशेस मिल जाते हैं जो कि हमारी स्किन को डीपली क्लीन करते हैं और ब्लैक हेड्स को ख़त्म करते हैं। ना सिर्फ ये हमारे ब्लैक हेड्स को ख़त्म करते हैं बल्कि हमारी स्किन टोन को भी इवन करते हैं। अगर किसी के ब्लैक हेड्स काफ़ी स्ट्रबन है और वो ये स्क्रबिंग और एक्सफोलिएशन करने के बाद भी नहीं ख़त्म हो रहे तो वो इसके लिए रेटिनॉइड्स के ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉइड्स की क्रीम्स होती हैं वो ब्लैक हेड्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं और जो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं उनको भी ये कम करती हैं। और ये सारे ट्रीटमेंट्स करने के साथ साथ आपने अपनी स्किन को लाजमी मॉइस्चराइज करना है, क्योंकि स्क्रबिंग करने की वजह से, एक्सफोलिएट करने की वजह से या डीपली क्लींस करने की वजह से आपकी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, और अगर आप मॉइस्चराइजर बाकायदगी से यूज़ करते रहेंगे तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी और उसका मॉइस्चर बैलेंस बरकरार रहेगा। इवन कि अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है, आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं, स्पॉट्स हैं, तब भी आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना मत छोड़ें। इन ट्रीटमेंट्स के साथ साथ आप छोटी छोटी और चीज़ों को भी फॉलो करें, जैसे कि हर रोज़ अपना चेहरा धोएं, और अगर आप मेकअप इस्तेमाल करती हैं तो सोने से पहले मेकअप को अच्छी तरह से रिमूव करें ताकि आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक ना हों और ब्लैक हेड्स ना बने। इसके अलावा अपनी स्किन को वेल मॉइस्चराइज्ड रखें, पानी ज़्यादा पिएं ताकि वो हाइड्रेटेड रहे। अगर स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो ब्लैक हेड्स कम बनेंगे या ब्लैक हेड्स बनना ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो एक्सरसाइज करने के फौरन बाद आप शावर लें, क्योंकि अगर एक्सरसाइज की वजह से आपको काफ़ी पसीना आया है तो इस पसीने की वजह से आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं, जिनकी वजह से फिर ब्लैक हेड्स बन सकते हैं। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।